उम्मों से बता दें, जहां नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शादी के 2 महीने बाद ही मौत हो गई नवविवाहिता की। मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद शव को जलाने का भी आरोप है। दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। हरिहरपुर थाना क्षेत्र के खरियो गांव का ये मामला है। देखिए, सिर्फ दो महीने में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शादी के 2 महीने ही हुए थे। अब मायके वालों का ये आरोप है सीधे तौर पर कि दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी कड़ी में उसकी हत्या की गई। और सिर्फ हत्या नहीं की गई बल्कि आनन-फानन में शव को जलाने की भी कोशिश की गई है। लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है और अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। इन लोग जो है, इसका गोतनी सब आपस में बराबर इन लोग का लड़ाई झगड़ा होते रहता था और हम लोग गरीब आदमी हैं। इसी तरह मेरा भाई जिसका लड़की है, वो खट खट के इधर उधर मजदूरी करके 2 लाख रुपया इसको दहेज के लिए हम लोग दिए। जो मंझला भाई ताराचंद साहब, वो बोलता है कि आपका लड़की जलकर मर गई। तो हम लोग तो सब घर में एकदम मना ऐसा हुआ कि से बोल ही नहीं पाते हैं, एकदम दुखद। मैंने सब तो एकदम सुन हो गए हम लोग को। तो लगता है कि इन लोग पहले से जो तुतु में होता था, झगड़ा होता था, इन लोग आपस में हो सके कि